भाई एक बार झंडू का टोटा आ गया, फसल में बीमारी लग गई और भैंस मर गई, बैल भी बीमार हो गया। झंडू एक पंडित जी धोरे गया और बुझण लग गया। पंडित जी ने बताया कि भाई सात झूठे और बेईमान आदमी ने जमा दे, तेरा टोटा बाज जाएगा। यह सुनकर झंडू ने सोची, सात झूठे और बेईमान आदमी कित पावेंगे। उसका ध्यान पड़ोस के गांव की पुलिस चौकी के न गया। झंडू उड़े गया और SHO समेत सात पुलिस वाले ने बुला लिया। पुलिस वाले जब जिम का चालन लागे, SHO साहब बोले, और झंडू तने हम जमाते दिए, पर न्यू बता हक के वाणा था। झंडू बोला, साहब बताते दूंगा पर आप नाराज हो जाओगे। SHO साहब बोले, ना भाई कोई नाराज ना हो, तू बता। झंडू बोला, साहब टोटा आ रहा से। पंडित जी ने न्यू कही थी, अक्सात झूठे और बेईमान आदमी ने जमा दिए, तेरा टोटा बाज जाएगा। SHO साहब बोले, अरे बावड़े तने तो और भी टोटा कर लिया। जे हम सात जमाए, कोर्ट में जाके तीन वकीला ने पकड़ के जमा देंदा, वे तीन ने बतेरे थे। भाई एक बार कोर्ट में केस चल रहा था, एक वकील पुलिस वाले से सवाल बुझण लग गया। हाँ भाई न्यू बता, अख्तन ने यो क्युकर पकड़ा। पुलिस वाला बोला, साहब मेरे द्वारा वायरलेस आया था और उसमें ब्यौरा दिया गया था, इसी शकल का एक चोर मेरी ड्यूटी वाली गली में बढ़ रहा से, मन ने यो देखा और पकड़ लिया। वकील बोला, भाई तेरे ताई वायरलेस किसने कराया था? पुलिस वाला बोला, जी झंडू ने। वकील बोला, तने उस पर भरोसा से? पुलिस वाला बोला, मन ने अपने साथियों पे अपनी जान ते भी गणा भरोसा से। वकील बोला, अच्छा भाई तेरे थाने में तेरी अलमारी से? पुलिस वाला बोला, हाँ जी से। वकील बोला, उस पर ताला लाग रहा से? पुलिस वाला बोला, हाँ जी। वकील फिर बोला, न्यू बता, जब तू अपने साथियों पर इतना भरोसा करे से, तो उस अलमारी का ताला क्या तला रखा है? पुलिस वाला बोला, जनाब बात इसी से, अकमारा थाना इस कोर्ट का लागता है से, और उड़े थारे वर्गे वकील बहुत गणे आंडे जासे। भाई एक बे लाल बत्ती पे एक मैम साहब की कार खराब होगी। कार सड़क के बीच में खड़ी रही, ना वह आगे ने सरकी और ना पाछे ने हटी। ट्रैफिक पुलिस में झंडू की ड्यूटी थी, वो मैडम दोहरा के बोलिया, मैडम के बात से आपने बत्ती का कोई भी रंग पसंद नहीं आया? भाई एक बे कोर्ट में झंडू और झंडू की घराली के तलाक के केस की सुनवाई चल रही थी। उसमें जज साहिबा भी एक लुगाई थी। जज साहिबा ने झंडू तो पूछा, आप अपनी पत्नी को क्यों छोड़ना चाहते हो? झंडू बोला, जी मैं तो ना छोड़ना चाहता इसने, या मन ने छोड़ना चाह वैसे। फिर जज साहिबा ने झंडू की घराली तो पूछा, तू अपने पति के साथ क्यों ना रहना चाहती? झंडू की घराली पड़दे बोली, एक हफ्ता तू रह के देख ले इस दौरे, तने आपे बेरा पाट जाएगा। भाई एक छोरा पुलिस तक घना डरा करदा। एक बे वो किते जावे था, सामी पुलिस आती दिखगी और वो खेता का निभाजा, पुलिस भी उसके पाछे भाजन लगी। छोरा एक किक्कर पर चढ़ के बैठ गया। पुलिस वाला उलदार बोला, अरे ऊपर के करेस है? छोरा डरता डरता बोला, जी निमोली खाऊं सू। हवलदार ने फिर बुझी, अरे किक्कर पे निमोली कित लागे से? छोरा बोला, जी डरते ने एक आधी पा भी जा।